नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सरोज की हत्या और उसके पति का फंदे से झूलता शव मिलने की सनसनीखेज खबर है। मामला सेक्टर 31 पुलिस लाइन का बताया जा रहा है। यहां पर सरोज अपने परिवार के साथ पिछले काफी दिनों से रह रही थी। बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात सरोज NIT थाने में ड्यूटी कर रही थी। सरोज का एक 11 वर्षीय बेटा भी है। सरोज की हत्या के दिन वो अपने एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पुलिस की माने तो महिला हेड कांस्टेबल के परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दी जाएगी। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। सब एक महिला हेड कांस्टेबल की शव मिला है और एक उसके पति की जो है वो फांसी पर लटका मिला। क्या है पूरा मामला? जी, आज सुबह हमारे पास फोन आया था भी ऐसे ऐसे फांसी खा ली और सुबह सूचना मिली थी पुलिस लाइन क्वार्टरों में फांसी खा ली है। उस सूचना पर हम पुलिस लाइन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जाके देखा तो हमने तो उसका जो पति है धर्मेंद्र नाम है जिसका, वो फांसी पर लटका हुआ था और उसकी जो मिसिज थी सरोज नाम है उसका हेड कांस्टेबल है वो बेड पे लेटी हुई थी। तो हमने मौके पर स्पेशल टीम जो बुलाई गई है उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद ये पाया कि भाई इसकी तो अभी जो हत्या हुई है और इसने फांसी खा रखी है। बाकी अभी उसके वारिस आए नहीं है लड़की के, लड़का पक्ष के वारिस आ गए हैं। लड़की पक्ष जैसे ही आते हैं जो भी हमें बयान देंगे दरखास्त देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो मौत की वो है भाई उस लेडीज़ की मौत गले घोटने से हुई है या कैसी हुई है वो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। देखिए ऐसी अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है, आई नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उसकी एक तरह अलग से जांच होगी। जांच में जो भी बातें सामने आएगी वो क्लियर हो जाएगी। और उम्र इस लेडीज की करीब होगी जी 32-33 साल की होगी और महिला थाना NIT में तैनात थी। पति अपना प्राइवेट जॉब है, जैसे अपनी टैक्सी चलाते थे वो, उनके पास वो गाड़ी है। बच्चे वगैरह हैं? एक लड़का है, उसकी उम्र करीब 13-14 साल की है। दोनों पुलिस लाइन में मतलब जी? हाँ, पुलिस लाइन में क्वार्टर ले रखा था सरकारी और 60 नंबर क्वार्टर में सरकारी में रहते थे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।